नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल BDP इन्वेस्टमेंट में। दोस्तों आज के स्टूडियो में हम बात करेंगे कल्याण ज्वेलर्स इंडिया लिमिटेड के ऊपर, जिसका क्लोज अभी का प्राइस है वो दोस्तों 78.3 है और आज के दिन दोस्तों 10.99% की तेजी हुई है। दोस्तों तेजी के पीछे के रीजन क्या है दोस्तों, और चार्ट के ऊपर ऐसे नेक और ब्रेक लेवल के ऊपर आके अटका हुआ है दोस्तों, जो स्टॉक कि आने वाले टाइम में अगर वो लेवल तोड़ता है तो जबरदस्त तेजी होगी, अगर नहीं तोड़ता है दोस्तों तो वापस दोस्तों नीचे के प्राइस वो टच करेगा दोस्तों। और कल्याण ज्वेलर्स के जो इन्वेस्टर है दोस्तों, जब IPO आया था 86-87 रुपीस के आसपास, फिर काफी दोस्तों स्टॉक नीचे गया है, बट एक होप बढ़ रही है क्योंकि दोस्तों कोविड की वजह से जो सेलिंग कम हुई थी, बिजनेस के ऊपर इम्पेक्ट आया था लॉकडाउन रिस्ट्रिक्शन की वजह से, अब वो धीरे धीरे हट रहे हैं, तो उसके वजह से दोस्तों आने वाले जो क्वार्टर है वो बेहतरीन हो सकते हैं, तो बहुत ही बढ़िया मोमेंटम बन सकता है दोस्तों। तो स्टॉक का पूरा एनालिसिस इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। क्वांटिटी ट्रेड की बात करें तो 96,93,183 है, 45,69,000 की डिलीवरी क्वांटिटी है, 47.15% का दोस्तों डिलीवरी क्वांटिटी है, ये जरा नोट करके रखना, बाद में हम इसमें डिलीवरी के ऊपर डिटेल डिस्कशन करेंगे दोस्तों। आज के प्राइस बढ़ने के पीछे के रीजन दोस्तों बहुत सिंपल से है कि कल्याण ज्वेलर्स प्राउड्स आफ्टर रोबस्ट क्वार्टर टू अपडेट, उन्होंने अपना जो क्वार्टर टू का रिजल्ट जो आने वाला है FY22 का, वो बहुत ही बढ़िया आ सकता है, और उनका बोलना है कि रेवेन्यू ग्रोथ ऑफ अबाउट 60% फॉर इट्स इंडिया ऑपरेशन ड्यूरिंग द रिसेंटली कंक्लूड क्वार्टर एज कम्पेयर टू द सेम पीरियड द प्रीवियस ईयर दोस्तों। दिस वॉज डिस्पाइट द लॉकडाउन रिस्ट्रिक्शन रिलेटेड डिस्प्यूशन इन शोरूम्स ऑपरेशन इन केरला दोस्तों। केरला में पता है कि आपको कोविड के थोड़े केसेस ज़्यादा है बाकी ऑल ओवर इंडिया के करते चलते हुए, तो उसमें थोड़ा सा एक उनको वहाँ पे दिक्कत हो रही है ऑपरेशन स्टोर के ऑपरेशन में। अब कल्याण ज्वेलर के ऊपर दोस्तों IPO के प्राइस से दोस्तों बहुत कम नीचे गया था, 56 तक गया, बट दोस्तों उसी दिन दोस्तों 10-15% का नीचे आया था स्टॉक एक ही दिन के अंदर, और अभी दोस्तों जो स्टॉक का प्राइस है वो 78-79 के आसपास है। मार्केट कैप उसका बनता है 7267 करोड़, ROCE है 7.41, ROE है -0.25 और फेस वैल्यू 10 रुपये का है दोस्तों। डेप्ट टू इक्विटी रेशियो 1.20 है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 1.10 है, वो ठीक है दोस्तों, डेप्ट टू इक्विटी भी मैनेजेबल है दोस्तों। इंडस्ट्री का पी 23.5 है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 7.91 है, और दोस्तों कैश इक्विवेलेंट आप देखेंगे तो 1097 करोड़ का कैश है दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट देखेंगे तो बहुत क्लियर नेकेड एड से दोस्तों दिख रहा है आपको कि सेल्स में जो दोस्तों प्रॉब्लम हुआ था 2018 के बाद 2019 का सेल कम आया था दोस्तों। 2018 में 10,505 का सेल्स हुआ था करोड़ का, और 9,771 करोड़ का सेल हुआ था। 2020 में सेल जो था 10,101 का हुआ था, और मार्च 2021 में 8,573 था जो कोविड के वजह से था, तो ये नेक्स्ट ईयर में काफ़ी अच्छा मूवमेंट वहाँ पे आपको दिख सकता है। और यहाँ पे दोस्तों नेट प्रॉफिट जो है वो -6 है, तो वो भी पॉजिटिव होने के बिल्कुल आसार है दोस्तों, और आने वाले टाइम में ये बिल्कुल पॉजिटिव हो जाएगा और अच्छा मूवमेंट आएगा। अब दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर पूरा डिटेल डिस्कशन करते हैं। तो प्रमोटर के पास दोस्तों 60.53 का होल्डिंग है स्टेक, और FII के पास 4.80 का होल्डिंग था, 80% का होल्डिंग था मार्च 2021 में, जो जून 2021 में अगर देखें लास्ट क्वार्टर में तो कम हुआ है दोस्तों। इसमें गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर ने बढ़ाया है, बट बाकी काफ़ी लोगों ने कम किए हुए हैं दोस्तों। DII की अगर बात करें तो 1.67% से कम होकर 1.62 है, उसमें सुंदरम म्यूचुअल फंड ने काफ़ी अच्छा होल्डिंग किया हुआ है। पब्लिक के पास दोस्तों 30% स्टेक था 2021 में, और जून 2021 में था 33.81%। हाईडेल इन्वेस्टमेंट 26.36 और वो होल्डिंग दोस्तों इंटैक्ट है, तो एक अच्छा बड़ा होल्डर होल्ड कर रहा है, यानी कि दोस्तों पब्लिक अगर रिटेल शेयर होल्डर की बात की जाए तो अराउंड दोस्तों 6-7% ही होल्डिंग उनके पास है, बाकी सब दिग्गज इन्वेस्टर के पास है। हम डिलीवरी के ऊपर नज़र करते हैं तो यहाँ पे आपको दोस्तों 61.9, 63.5, 54.8, यानी कि दोस्तों 6 अक्टूबर का देखो, 5 अक्टूबर का देखो, 4 अक्टूबर का देखो, दोस्तों 50% से अबोव ही शेयर होल्डिंग है पिछले कुछ दिनों से, यानी कि बहुत टाइम से दोस्तों वही लेवल पे होल्डिंग यानी कि चल रही है। डिलीवरी जबरदस्त,
यानी कि डिलीवरी बेस्ड बाइंग जबरदस्त हुई है। अब हम चलते हैं दोस्तों टारगेट के ऊपर कि ब्रोकरेज अपने टारगेट क्या दे रहे हैं और वो टारगेट क्या अचीव होंगे या नहीं होंगे। दोस्तों ब्रोकरेज के टारगेट जो है वो 95 रुपीज का टारगेट है दोस्तों, और वो बोल रहे हैं ICICI सिक्योरिटी बाय कल्याण ज्वेलर्स इंडिया लिमिटेड। अब हम देख चलते हैं चार्ट के। दोस्तों ये कल्याण ज्वेलर्स का वीकली चार्ट है, और दोस्तों वीकली चार्ट के ऊपर मैंने यहाँ पे स्विंग हाई जो है जो 11 जून 2021 को बना था दोस्तों 89.75 रुपीज का हाई था, और लो था दोस्तों 20 अगस्त 2021 का जो बनाया था 61 रुपीज़ का। उन दोनों को कनेक्ट करके जो रिट्रेसमेंट लेवल मुझे मिल रहे हैं वहाँ पे आप देख सकते हैं कि 61.8% का रिट्रेसमेंट 78.77 है दोस्तों। यहाँ पे चार्ट के ऊपर आप देख सकते हैं कि ये लेवल दोस्तों टूट चुके हैं अभी के लिए, बट दोस्तों वीक पूरा ख़त्म नहीं हुआ है, अभी भी ट्रेडिंग सेशन बचे है। तो दोस्तों जब तक वो वीक खत्म नहीं होता तब तक दोस्तों इसको ब्रेकआउट नहीं माना जाता। अगर ये ब्रेकआउट आ जाता है दोस्तों एक वीक में तो क्या होता है उसके ऊपर भी थोड़ा नजर लगाते हैं दोस्तों। अब ये दूसरा रिट्रेसमेंट मैं आपके लिए खींच रहा हूँ कि प्रीवियसली जब ये स्विंग हाई था और स्टॉक गिर के नीचे आया था ऐसे और लो बनाया था, तो यहाँ पे आप देखिए 61.8% का रिट्रेसमेंट आया था 71 रुपीज के आसपास, जो 28 मई को तोड़ने की कोशिश की थी, बट दोस्तों तोड़ने में सफल नहीं हुआ था और नीचे आ गया था 50% से नीचे। बट उसके दूसरे ही दिन दोस्तों ज्यादा वॉल्यूम के साथ स्टॉक गया ऊपर, और दोस्तों स्टॉक ने जबरदस्त दोस्तों अपने मनमानी करते हुए बहुत ही बढ़िया रिटर्न दिया, और दो वीक के अंदर आप देखिए कल्याण ज्वेलर्स ने क्या गजब के रिटर्न दिए थे दोस्तों। तो यहाँ पे अभी दोस्तों सेम फॉर्मूला आपको अपनाना है कि अगर यहाँ पे वो तोड़ने में सक्षम हो जाता है वीक के ऊपर तो आपको बहुत ही बढ़िया रिटर्न देने की क्षमता रखता है। अब हम थोड़ा इसके ऊपर डेली चार्ट के ऊपर आते हैं, तो यहाँ पे दोस्तों पूरा बड़ा कैंडल दिख रहा है, और यहाँ पे दोस्तों और हम नीचे थोड़ा सा नज़दीक आने की कोशिश करते हैं कि 15 मिनट के चार्ट के ऊपर कैसा दिख रहा है दोस्तों मोमेंटम। तो जैसे ही दोस्तों स्टॉक ने तोड़ा था उसका जो लेवल 78-79 का, उसके बाद दोस्तों नीचे आया फिर बेस बनाया और फिर स्टॉक अब भी डे हाई के आसपास चल रहा है और वॉल्यूम दिन के सबसे हाईएस्ट लेवल के ऊपर चल रहा है। तो BTST के लिए बहुत ही बढ़िया स्टॉक ये बन सकता है दोस्तों, और आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छा मूवमेंट दे सकता है। और दोस्तों और तेज़ी तभी आ सकती है जब हमने ये वीक के अंदर यानी कि जो ट्रेडिंग सेशन सारे ख़त्म हो जाए ये वीक में, और उसके बाद स्टॉक में दोस्तों हाई बनेगा और ब्रेकआउट आएगा तो ज़बरदस्त तेज़ी इस स्टॉक में बन सकती है। ऐसे मेरे पर्सनल व्यू है दोस्तों, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। और आप कल्याण ज्वेलर्स में ट्रेड या इन्वेस्ट करना चाहते हैं और फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो दोस्तों आप लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली हुई है, और आप फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेके ही इसमें ट्रेड या निवेश कीजिए। ये वीडियो मैंने एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।